हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड इवनिंग। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी देखिए, दोपहर के लंच का जो बर्तन था मैं क्लीन नहीं कर पाई थी उस समय ही, क्योंकि मैं दूसरे कामों में लग गई थी, तो इसकी वजह से बर्तन सारे ऐसे पड़े रह गए। और अभी समय जो हो रहा है शायद 3:05 कम है, बर्तन भी धुलती रहूँगी और आप लोग से बातें भी हो जाएगी। और झाड़ू लगा दिया है और कपड़े मैंने अभी नहीं ला के फोल्ड किया है, ये सभी मैं सॉल्व कर रहा है। और छवि का मैंने टेस्ट ले लिया है, वो टेस्ट मतलब अपना दे चुकी है। और जैसे कि थोड़ा बहुत मिस्टेक था तो मैं रात को मतलब जब बैठूंगी ना पढ़ाने बच्चों को तो क्लियर कर दूंगी उन लोग का। और रुपेश 7th में है तो उसका हार्ड आएगा, तो वो अभी अपना तैयारी कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड इवनिंग। तो अभी आप देख सकते हो कि शाम के बज रहे हैं 5 और मैंने घर की क्लीनिंग कर दी है, जैसा कि झाड़ू लगा दिया है। पोछा तो मैं शाम को लगाती नहीं हूँ, कभी रियल केस में अगर घर गंदा हो जाए तो ही मतलब घर का पोछा लगाती हूँ, वरना मैं शाम को पोछा नहीं लगाती हूँ। और बर्तन थे जो लंच के मतलब बर्तन थे, सभी ने खाए थे तो वो बर्तन थे, वो मैंने बर्तन क्लीन किया और ज़्यादा ही बर्तन थे तो बर्तन भी मैंने क्लीन कर लिया है। और बच्चे अभी जो है रिवीजन कर रहे हैं, आप देख सकते हो रूम में बैठ के, क्योंकि कल रुपेश का मैथ का पेपर है, यानी कि हाँ दे रहे हैं, तो यानी कि 7 फरवरी से इन लोग का एग्ज़ाम है और फर्स्ट पेपर मैथ ही है, तो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। और रुपेश अभी सो के उठा था तो बोल रहा था कि मम्मी मतलब मुझे भूख लग गया है तो आप कुछ दे दीजिए खाने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अभी मतलब कुछ बना देती हूँ रुपेश के लिए। और अभी देखिए मैंने मतलब अभी आलू जो है बॉयल हो चुका है, आप देख सकते हो आलू बॉयल हो चुका है। अभी कुछ बनाऊंगी जब तक वो मतलब थोड़ा सा पढ़ ले, क्योंकि अभी थोड़ा सा काम मुझे छत पे है। गेहूं डाला था पर बारिश हो गया था, 2 दिन से बारिश हो रहा था रात में, तो गेहूं जो है वो सूख नहीं पाया था, तो आज फिर से डाल दिया है क्योंकि आटा जो है ख़त्म होने वाला है। और मेरे यहाँ जो है आटा का ज़्यादा खपत है, क्योंकि बच्चे जो है वो रोटी ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या हुआ बोलो? तो बच्चे जो है रोटी ज़्यादा पसंद करते हैं, आटा जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए मैं गेहूं जल्दी जल्दी धो लेती हूँ। तो अभी चलते हैं छत पे, करते हैं मतलब गेहूं जो है वो मैं बोरी में भर दूंगी। साफ तो मैंने कर लिया था उसी दिन, और धुलते समय मैं बहुत अच्छी तरीके से धुलती हूँ कि मतलब गंदा ना रहे ज़्यादा। तो चलिए अभी चलते हैं, पहले गेहूँ बोरी में भर लेते हैं, कपड़े उतार लाते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे किचन में और एक नई रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आप लोग को कैसी लगेगी मुझे बताइएगा जरूर कि आप लोग को कैसी लगी। और यहाँ देखिए छवि क्या कर रही है, छवि क्या लिख रही हो, क्या लिख रही हो रुपेश, तुम क्या कर रहे हो? रुपेश जबरदस्ती मैं सॉल्व करता है, उसे बिल्कुल समझ में नहीं आता है, फिर भी मैं जबरदस्ती उसको बैठा के कराती हूँ, क्योंकि अब नहीं समझेगा कब समझेगा। क्लास 7th में है ये और 2 साल के बाद हाई स्कूल है, तो मुझे टेंशन लगा रहता है कि मतलब इसका मैथ मतलब अच्छा हो जाए। बहुत अच्छा तो नहीं इसका होगा मुझे पता है, पर कुछ अच्छा तो हो जाए कि हाँ ये सब चीज़ें जो है वो सॉल्व कर सके। तो अभी मैं चलती हूँ छत पे, उठा लाती हूँ पहले गेहूँ। अभी मैं आ गई हूँ छत पे, कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, ज़्यादा कपड़े नहीं थे। और आजकल ना दिन बड़ा होने लगा है धीरे धीरे, 25 दिसंबर से दिन बड़ा होना शुरू हो जाता है। और अब तो 6 बजे शाम होती है, मतलब सूर्यास्त जो है वो 6 बजे होते हैं, 6 बजे तक मतलब दिन रहता है। तो आज जो है कपड़े ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ मेरी साड़ी थी, तो मैंने फोल्ड कर लिया है, छत पे ही फोल्ड कर लिया है आज। वैसे तो नीचे ले जाके ही फोल्ड करती हूँ, पर आज कम था तो मैंने सोचा चलो छत पे ही फोल्ड कर लेती हूँ। गेहूं भी भर लिया है और हस्बैंड कल पीसने को दे देंगे। तो फ्रेंड्स अभी मैंने गेहूं जो है रख दिया है, कपड़े भी छत पे ही फोल्ड कर लिया है, सिर्फ मेरी साड़ी थी, बाकी कपड़े जो थे वो मतलब बाकी कपड़े थे ही नहीं, सिर्फ मैं नहाई हूँ आज, बच्चे नहीं नहाए क्योंकि कल सरस्वती पूजा था तो बच्चे नहा लिए थे, इसलिए आज वो नहीं नहाए हैं। और सुबह में कोहरा बहुत ज़्यादा था, इसकी वजह से ठंड वही मतलब पता नहीं, ठंड बस सुबह शाम की पड़ रही है, दिन में बहुत मतलब अच्छी खासी धूप हो जा रही है। अभी भी उतनी ठंड है नहीं, पर घर में ठंड लग रही है, बाहर ठंड नहीं लग रही है। तो अभी मैंने सारे काम जो है वो कर लिए हैं और आज मैंने अपने हेयर जो है कट किए हैं, तो देखिए लेंथ तो बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई है पर मुझे अच्छा लग रहा है ये देखिए। और हमें अपने बालों को हर 3 महीने में ट्रिम करना चाहिए, और मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया था, जैसे कि मुझे लग रहा है कि मुझे 2-2.5 साल हो गया है मैंने अपने बालों को ट्रिम नहीं किया था, तो बहुत ज़्यादा झड़ रहा था, काफ़ी झड़ रहा था, इसकी वजह से मुझे अपने बालों को ट्रिम करना पड़ा। तो छवि क्या कर रही हो, वहाँ मत जाएगा रहो,
क्योंकि वो बदमाशी कर रही है छवि, और वहाँ पे ईंटा रखा हुआ है ना, तो ईंटे में छिपकली या कुछ भी हो सकता है, गोजर वगैरह। तो इसी वजह से मैं बोलती हूँ कि वहाँ मत जाओ, पर ये बार बार जाती है, ईंटा है, बारिश हुआ है, हो सकता है कोई जानवर ही हो। तो छवि एक बार आओ, दिखा दो मेरा हेयर तो कैसा लग रहा है, बांध रही बांध लो उसको, ये देखिए बार बार खोल लेती है ये, बांध लो, चलो बांध लो। तो दिखाओ बैग से, दिखाओ मेरा हेयर कैसा लग रहा है। अभी वीडियो देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं दो क्लेचर लगा के बाल में रखी थी, तो अभी मैं निकाल लेती हूँ। और वैसे तो पार्लर में ही मैंने कट करवाया था, बट अब नहीं करवाऊंगी क्योंकि मैंने हाथों से कट किया है और बहुत अच्छा कट हुआ है मुझे लगता है। मुझे बताइएगा कमेंट में कि मैंने अपना हेयर खुद से कैसे कट, मतलब कैसा कट किया है, और फर्स्ट टाइम कट की हूँ यूट्यूब से देख के। यूट्यूब बहुत अच्छा है, आपको कुछ भी पूछना हो यूट्यूब पे आइए, आपको हर चीज़ मिल जाता है। हाँ आ रहे हैं, और रुपेश आवाज़ लगा रहा है नीचे। मुझे कुछ भी जानना होता है, कुछ भी करना होता है, तो मैं यूट्यूब पे ही सर्च कर लिया करती हूँ। तो अभी चलिए चलते हैं। और वैसे बाल बहुत ज़्यादा रफ हो गए थे, तो अभी देखिए बाल की लेंथ भी नहीं कम हुई है। अगर हम पार्लर में जाते ना तो वो बाल का लेंथ जो है वो पक्का कम हो जाता, उसके डर के नाते मैं अपने हेयर को कट नहीं करवा रही थी, बट आज मैंने किया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी लेंथ भी वैसे की वैसी है, और जो है ट्रिमिंग भी हो गई है, और पैसे भी बच गए हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो अभी चलती हूँ, रुपेश मोबाइल मांग रहा है, तो पहले मोबाइल रुपेश को दे दूँगी, फिर आप लोग को दिखाऊँगी नई रेसिपी कि आज मैं क्या, मतलब हल्का फुल्का नाश्ता है, ब्रेकफास्ट ही कह लेंगे, ब्रेकफास्ट है, मैं ब्रेकफास्ट में हल्का फुल्का क्या बनाने जा रही हूँ। तो आ रही हूँ, आओ छवि, पेन चाहिए, फोन नहीं चाहिए, ठीक है स्वेटर पहनो फिर जाओ। रुपेश को फोन नहीं चाहिए था, पेन चाहिए था, और मैं जल्दी जल्दी नीचे आ गई। क्या तुमको कॉपी चाहिए? अच्छी वाली कॉपी किसको कहते हैं? अरे देखिए साड़ियाँ भी अलमारी में लगा दूंगी, तो जाओ रुपेश ठीक है लेके आओ। तो चलिए फ्रेंड्स अभी किचन में आप लोग से मिलते हैं। मैंने वेजिटेबल कट कर लिया है, और ये चावल का आटा है, मैं दिखा रही हूँ आपको, एक कप नहीं आधा कप से थोड़ा ज़्यादा मैंने लिया था। और प्याज है, प्याज मैंने ग्रेट किया है, कट नहीं किया है, आप चाहे तो बारीक कट भी करके डाल सकते हो। धनिया की पत्ती, हरी मिर्च और बॉयल आलू है, ये मैंने लिया है कलौंजी, हाँ कलौंजी कहते हैं इसको, कलौंजी, और नमक है। तो मैं चावल का आटा पहले डाल लेती हूँ गेहूँ के आटे में, और गेहूँ का आटा है, गेहूँ के आटे का मैं बना रही हूँ फास्ट, फिर मैं इसमें वेजिटेबल सारे डाल दूंगी, जैसा कि धनिया की पत्ती, हरी मिर्च और प्याज, ग्रेट किया हुआ प्याज, और आलू भी मैं इसमें डाल लूंगी फिर, और कलौंजी और नमक डाल के मैं अच्छे से इसे, जैसे आटा हम गूंथते हैं उस तरह से हमको इसका डो तैयार कर लेना है। अगर पानी का ज़रूरत हो तो आप गर्म पानी लीजिएगा, ठंडा पानी बिल्कुल मत लीजिएगा। और आटा मैंने लगा लिया है, और ये देखिए कुछ इस तरह से हमें लोइयाँ काट लेनी है, और जैसे पूड़ी होता है उस तरीके से बेल के बस फ्राई कर लेना है। तो मैं सारा जो मैंने लोई कट किया है उसे मैं बेल लेती हूँ, और यकीन मानिए फ्रेंड्स झटपट बनने वाला और बहुत हेल्दी नाश्ता है ये, और इजली तैयार भी हो जाता है। बाहरी कोई भी जैसे मैदा वगैरह का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है, क्योंकि मैदा जो है वो हमारे शरीर को नुकसान करता है, और आटे का मैंने बनाया है, आप अगर चाहो तो आप मैदा इसमें ऐड कर सकते हो, मैंने मैदे का इस्तेमाल नहीं किया है, मैं ज़्यादातर आटे का ही इस्तेमाल करके सब कुछ बना लेती हूँ। जैसे मुझे मोमो बनाना हुआ या कुछ भी हुआ जो मैदे से बनता है, तो ज़्यादातर मैं आटे से ही बना लेती हूँ, क्योंकि वो अच्छा भी होता है और हमारा हेल्थ भी सही रहता है। तो देखिए मैंने पूड़ियाँ तल ली हैं, और देखिए कितना अच्छा कलर आया है, और पूरे घर में मतलब इसका स्मेल, बाहर तक इसका स्मेल आ रहा था, और मतलब अभी आप देखिएगा छवि आएगी और मैं बना रही हूँ पीछे से, मतलब लेके जाएगी, क्योंकि इसका स्मेल इतना अच्छा आ रहा था ना कि रुपेश बोला कि मम्मी आप क्या बना रही हो, मैं नहीं खाऊँगा। जब उसने एक खाया ना तो ढेर सारा खा लिया था, उसे मतलब अच्छा लगा तो वो ज़्यादा ही खा लिया। तो देखिए अभी छवि आ गई है और लेके जा रही है, पहले बच्चों को लगा कि मम्मी क्या बना रही है, पर सच में बहुत टेस्टी बना था, आप भी इसे ट्राई कर लीजिएगा, फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसा बना है। तो फ्रेंड्स अभी मैंने बना लिया और बच्चों ने भी खा लिया, तो चलिए अभी आपको खिला देती हूँ और मैं खुद भी खा लेती हूँ। तो यहाँ देखिए चाय, और फिर से मुझे चाय गर्म करना पड़ा क्योंकि उस समय मैं बना रही थी, तो इसलिए मैंने चाय जो है वो अपने लिए नहीं निकाला था, क्योंकि मैंने सोचा कि पहले बच्चों को खिला लेती हूँ फिर उसके बाद से अपने लिए चाय, तो मैं चाय तो पी ही लूंगी क्योंकि बच्चे जो हैं वो भूखे थे, तो बोल रहे थे कि मम्मी जल्दी करिए जल्दी करिए, तो मैंने अपने लिए चाय जो है नहीं मतलब लिया था। तो अभी आ जाइए आप लोग भी, लगा लेती हूँ चाय,
और ठंड में चाय दिखता नहीं है। कहाँ गया कैमरा, ये तो दिखा कि नहीं दिखा। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी कर लीजिए नाश्ता। आलू और चावल के आटे और आटे से फूली फूली कचौड़ी, और इतना इंस्टेंट नाश्ता है ना कि बहुत जल्दी बन जाता है। आप मतलब हल्की फुल्की भूख लगने पे आप इसे मतलब खा सकते हो। अगर आप आलू नहीं डालना चाहते हो तो आप आलू स्किप भी कर सकते हो। तो अभी आइए मैं आप लोग को पहले, तो आ जाइए फ्रेंड्स, खा लीजिए कुरकुरे कुरकुरे पूड़ी और चाय, और बच्चों ने भी खा लिया है। और अब मेरी बारी है, मैं खा लेती हूँ। तो चलिए अभी लेके चलती हूँ मैं रूम में। अरे दिव्यांश आया है क्या? लो दिव्यांश खाओगे? खालो एक। और फ्रेंड्स कैसा लगा आज का ब्लॉग मेरा? अगर आप सभी को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स।